नमस्कार टाइम इटर प्रतिगराकी दर्शकक मैं ज्योतिदीप बैश्य स्वागतम जनाइछो दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले जी हम आसनिर कथा घोषणा करे हे आसनी समूहक लय देखर विभिन्न प्रांतर इटा चर्चा चले विशेषकय विभिन्न राज्यर सरकार समूहेओ केजरीवालर ए मडेलक अनुकरण करा आरम्भ करिछे किन्तु एबार अरविंद केजरीवाले कइछे जे 18 बछरर उपरर प्रतिगराकी महिला युवतीक माहे 1000 टका कय तेलके प्रदान करिबो आरु ए आसनी कि दरे सफल करिबो परा जाबो तार गोपन मंत्र एबार अरविंद केजरीवाले शेयर करिछे जनतार होइत फार्ष्ट फोन टाइम एक मुहूर्त जाना प्रतिगढ़ महिला प्रति माहे 1000 टका कोई सहाज्य प्रदान कर अरविंद केजरीवाल 18 बसर ऊपर प्रतिगढ़ महिला युवतीक सहाज्य प्रदान कर अरविंद केजरीवाले एक कथा घोषणा कर विश्वर भितरते सर्वबृहत महिला सबलीकरण आँचनि हिसाब से आख्या आँचनिर कथा घोषणा कर केजरीवाले और तार पाछत कैसे जदिहे महिला युवती सकले प्रति माहे 1000 टका कोई पाए तेओलुके विशेषभावे मनोबल बृद्धि पाबो किन्तु डांगर प्रश्न तो होइसे आँचनि समूहर बाबे टका कर पुरा आहिबो यार गोपन मंत्र वर्णना करिसे दिल्लीर मुख्यमंत्री गराकी एखन फ्लाईओवर निर्माण करूते साधारणते 20% कमिशन बा घुस खुआ हय দুর্নীতির বাবে এই বৃহৎ পরিমাণৰ ধন ৰাখি একাংশ লোকৰ পকেটলৈ যায় আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰে এনে দুর্নীতি বন্ধ কৰে এই দুর্নীতি বন্ধ কৰাৰ ফলত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৰাখি ৰাহি হয় আৰু এই ৰাহি হোৱা টকাৰে তেওঁলোকে মহিলাসকলক প্ৰতি মাহে 1000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব অৰবিন কেজৰিৱালৰ তৰফৰ পৰা যে মন্তব্য কৰা হৈছে গোৱাত এই কথা ঘোষণা কৰিছে অৰবিন কেজৰিৱালে গোৱাত যদি আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আহে তেতিয়া হলে মহিলা প্ৰতিগৰাকী মহিলাক মাহে 1000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব আৰু এই টকাৰ ধন কৰ পৰা আহিব সেই কথাও তেওঁ বৰ্ণনা কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ এই ভাষণক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে তেওঁ কৈছে বিভিন্ন চৰকাৰী কাম ফ্লাইঅভাৰ হওক বা আন কামত যেতিয়া কোনো কাম কৰা হয় তাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ দুৰ্নীতি কৰা হয় বা দুৰ্নীতিৰ ধন সংগ্ৰহ কৰা হয় এই দুৰ্নীতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰতিবন্ধকতা আনিব আৰু তাৰ ফলত যি টকা ৰাহি হয় সেই ৰাহি হোৱা টকাৰে প্ৰতিগৰাকী মহিলা যুৱতীক প্ৰতি মাহে 1000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব বিশ্বৰ ভিতৰতে ইয়াক সৰ্ববৃহৎ মহিলা সবলীকৰণ আঁচনি আখ্যা দিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু গোৱাত তেওঁ এই কথা আজি ঘোষণা কৰিছে আমাৰ লগত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইলোঁ मैंने देखा है बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए काम कोई नहीं करता विमेन एम्पावरमेंट में सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट क्या है पैसे में ताकत होती है होती कि नहीं होती जेब में अगर पैसा हो तो आदमी को लगता है मैं ये भी खरीद सकता हूं मैं ये भी खरीद सकता हूं मैं यहां भी जा सकता हूं मैं वहां भी जा सकता हूं आदमी बड़ा एम्पावर्ड फील करता है अगर जेब में पैसा हो तो अगर हमारे हर महिला की जेब में 1000 रुपए होंगे तो वो क्या क्या नहीं कर सकती वो बड़ा फ्रीडम महसूस करेगी वो इंडिपेंडेंस महसूस करेगी वो एम्पावरमेंट महसूस करेगी मैं समझता हूं कि अब हम जो हर महिला की जेब में 1000 रुपए डालने जा रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी परहैप्स द बिगेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड नॉट जस्ट इन इंडिया पूरी दुनिया का यह सबसे सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा आप सोच के देखो एक 18-19 साल की बेटी है उसके पिताजी उसे कॉलेज की पढ़ाई छुड़वा देते हैं वो कॉलेज नहीं जा पा रही अब अगर उसकी जेब में 1000 रुपए आएंगे तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती वो अपने लिए नए कपड़े खरीद सकती है अपने लिए कुछ भी खरीद सकती है मार्केट में जाकर एक हाउसवाइफ है आज इतनी महंगाई हो गई है अगर उसकी जेब में 1000 रुपए आएंगे वो अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकती है वो अपने लिए कुछ खरीद सकती है वो घर में एक एक्स्ट्रा सब्जी बना सकती है और कुछ हो या ना सब्जी बना सकती है अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं सब लोग एक दिन इवनिंग में बाहर जा सकते हैं वो लोग अपने बच्चों को बाहर कुछ दिखाने ले जा सकती है एक बूढ़ी माँ है वो अपने बच्चों को कुछ देना चाहती है मैं एक आपको इंसिडेंट सुनाता हूं कुछ लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनको इसकी क्या जरूरत है हम ये ऑप्शन देंगे इस स्कीम में जो जो नहीं चाहते इसको जिन लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा है जिनको लगता है वो वर्किंग वुमेन है उन्हें जरूरत नहीं है
दे विल बी गिवन एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम. जरूरी नहीं है सबको, बट वी विल ऑफर, वी विल मेक एन ऑफर टू एवरीवन, और जो इसमें ऑप्ट आउट करना चाहे करें. लेकिन मेरे पास एक मेरा दोस्त है, बहुत अमीर दोस्त है, वो एक बार मेरे पास आया, बोला मेरे पिताजी एक दिन मेरे पास आए और मुझे बोले बेटा मेरी पॉकेट मनी फिक्स कर दो, हर महीने मुझे पॉकेट मनी चाहिए. तो मेरा दोस्त उनको बोला कि पिताजी आपको पॉकेट मनी किस लिए चाहिए, मैं हूं ना, आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं सब कुछ दिलवाऊंगा. तो कहता मेरा गोलगप्पे खाने का मन है तो मैं तेरे पास पैसे मांगने आऊंगा क्या. तो अगर एक बूढ़ी मां को कुछ भी खरीदने का मन है तो वो हर चीज के लिए अपने बेटे से पैसे मांगेगी क्या, अपने हस्बैंड से पैसे मांगेगी क्या. तो ये जो हजार हजार रुपए हम डालने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड द बिगेस्ट विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड. मुझे बहुत सारे लोग आजकल क्रिटिसाइज कर रहे हैं. पहले तो ये कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा. मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा. आप लोग भी जब जाओगे तो आपसे पूछेंगे पैसा कहां से आएगा. गोवा का इसके लिए 500 करोड़ रुपया चाहिए. मैं सारी कैलकुलेशन करके आया हूं. आपकी जेब में, हर महिला की जेब में एक एक हजार रुपए हर महीने डालने के लिए 500 करोड़ रुपया चाहिए. गोवा का बजट 22,000 करोड़ है, 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ है. मैं आपसे पूछना चाहता था, गोवा में अगर कोई सड़क बनती है, अगर कोई फ्लाईओवर बनता है, अगर कोई गोवा में काम होता है, उसमें कितने परसेंट करप्शन होता है, कितना परसेंट करप्शन होता है, गेस? 60%, 90%, 70%, 20%. चलिए मान लीजिए 20% मान लेते हैं. 20% तो होता ही है, होता है कि नहीं होता है, उससे तो कम नहीं होता, उससे तो ज्यादा ही होता है. 20% मान लेते हैं. तो 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ का बजट है, 20% करप्शन है, तो कितना करप्शन में चला गया, 4,400 करोड़ रुपीज, 4,000 करोड़ रुपए करप्शन में चला गया. आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, आम आदमी पार्टी पैसे नहीं खाती. ये 4,000 करोड़ रुपए करप्शन से बचाएंगे और हर महिला को हजार हजार रुपए देंगे. अभी मैंने आपके लिए फ्री बिजली अनाउंस की, मैंने आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता अनाउंस किया, मैंने आपके लिए तीर्थ यात्रा अनाउंस की, मैंने आपके लिए आज 1,000 रुपए अनाउंस किया. ये सारा खर्चा मिला के इट इज लेस देन 1,000 करोड़. मैंने देखा है बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए. काम कोई नहीं करता विमेन एम्पावरमेंट में. सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट क्या है, पैसे में ताकत होती है, होती कि नहीं होती. जेब में अगर पैसा हो तो आदमी को लगता है मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं ये भी खरीद सकता हूं, मैं यहां भी जा सकता हूं, मैं वहां भी जा सकता हूं. आदमी बड़ा एम्पावर्ड फील करता है अगर जेब में पैसा हो तो.